हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोगों का, छोटे बड़े आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको फिश पकोड़ा बना के दिखाऊंगी, फिश पकोड़ा बना के शेयर करूंगी आप लोगों को। वीडियो में बने रहिए। कैसे बनाते हैं, कढ़ाई मैंने पहले गरम करने रख दी है। कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। चलो तेल को गर्म होने देंगे। आप लोग देख सकते हो ये मसाला मैंने पहले ही बना के रखा है। आने वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मसाला कैसे घर में बनाते हैं। का मसाला है ये, चिकन भी फ्राई कर सकते हो आप इसके साथ। चलो ये मसाला मैंने बाउल में रख दिया है। मैं ये मछली कट कर लूंगी, ये फिश को। ये पकौड़े बनाने के लिए बोनलेस ही मच्छी लिया है मैंने। खाने में बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को डर भी नहीं लगेगा कि कांटे चुभ जाएंगे। बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे लोग भी आसानी से खा सकते हैं। चलो मैं ये मच्छी को कट कर लेती हूँ। इसका मैं मीडियम पीस बनाऊंगी पकौड़ी बनाने के लिए। इसके हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। इसी तरह मैं सभी मच्छियाँ कट कर लूंगी। मच्छी मैंने कट कर ली है, पूरी मच्छी मैंने कट करके रखी है। मिर्ची मसाला सब चीज मैंने इसमें डाल के रखा है। आप लोग भी ऐसे ही बनाना। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को पक्का दूंगी। थोड़ा मैं इसमें धनिया पत्ता डाल लेती हूँ, हरा धनिया। पकौड़े में अच्छा लगेगा। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो ये मसाला जो मैंने बनाया था, ये मच्छी को अच्छा सा इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा डुबा लेंगे इसको इसी तरह। चलो तेल गरम हो चुका है, मैं ट्राई करती हूँ। लेती हूँ मैं इसी तरह से भी मच्छी डालूंगी। सभी इसी तरह बना लेंगे, अलग अलग पीस करके। ये जल्दी पक जाएगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये मच्छी पकने में, क्योंकि बोनलेस मच्छी है, इसमें कांटे नहीं होते हैं। चलो इसको धीरे से पलट लेते हैं। सभी मच्छियाँ पलट दिए हैं मैंने, सभी पकौड़े पलट दिए हैं मैंने मच्छी के। थोड़े मैं पकने दूंगी इसको, ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। अभी मैं इसको निकाल दूंगी प्लेट में। ये आप चपाती के साथ भी खा सकते हो और दाल राइस के साथ भी ले सकते हो, अच्छी लगती है। कि ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, नहीं तो टूट जाएगी पूरी है। सभी मच्छी इसी तरह से मैं बना लूंगी मच्छी के पकोड़े। चलो मैंने सभी मच्छी फ्राई कर ली हैं, सभी मच्छी के पकौड़े मेरे बन गए हैं। देखो आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया है, कितने अच्छे लग रहे हैं पकौड़े। आलू उतना अच्छा नहीं सेहत के लिए। ये मच्छी के पकौड़े बनाए इसी तरह, वो हेल्थी भी रहते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं। चलो मैं इसको प्लेट में डाल लेती हूँ। सभी पकौड़े बन गए हैं मच्छी के। मैं इसको सजा के दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने सभी पकोड़े सजा दिए हैं, मच्छी के पकोड़े हैं। आप लोग जरूर ट्राई करना मेरी रेसिपी, बनाई हुई रेसिपी जरूर ट्राई करना और कमेंट में जरूर बताना कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, जरूर कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको नए नए रेसिपी लेके आऊंगी, जो भी मेरे घर में बनेगा, स्पेशल बनेगा या कैसा भी बनेगा, वो आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट ज़रूर करना। एक बार बनाओगे तो बार बार खाते रहोगे दोस्तों, ज़रूर ट्राई करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम। टेक केयर।